मुंबई की आर्य कॉलोनी में पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। महाराष्ट्र सरकार ने कहा और नहीं काटे जाएंगे पेड़, साथ ही पुलिस से हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत छोड़ने को कहा। 21 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई। आर्य मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। पूछा, अभी तक सरकार ने कितने पेड़ों को काटा और कितने पौधे लगाए। बढ़ते प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अप्रैल 2020 से BS6 वाहन आने से प्रदूषण में कमी आएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन, बागियों को मनाने में लगी सभी पार्टियां। फ्रांस के दौरे पर आज रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 8 अक्टूबर को फ्रांस रफाल विमान सौंपेगा। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से पुल गिरा, हादसे में कई लोग घायल। पूर्व सांसद रमाकांत यादव व फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी समाजवादी पार्टी में शामिल, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई। और बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, जैश का एक आतंकी गोला बारूद के साथ गिरफ्तार। DGP बोले, राज्य में अभी 200 से 300 आतंकवादी सक्रिय हैं।